जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को जनता को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। घाटी में सभी लोकल प्रीपेड मोबाइल सेवाओं पर लगी रोक हटा दी गई है। सूबे में प्रीपेड कॉल, एसएमएस और 2G इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में प्रीपेड मोबाइल सेवाओं को शुरू किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं पर लगी रोक की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने के बाद शनिवार से पूरे राज्य में लोकल प्रीपेड सिम कार्ड पर सभी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन के इस फैसले से नागरिकों ने राहत महसूस की है। जम्मू कश्मीर के करीब 80% सरकारी अस्पतालों में ब्रॉडबैंड सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी है। हालांकि इसका लाभ आम नागरिकों को नहीं मिल रहा है। अस्पतालों में यह सेवा दफ्तरों से जुड़े कामकाज की सहूलियतों के मद्देनजर शुरू की गई। इंटरनेट पर पाबंदी से मरीजों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। बताते चले कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन और नेताओं की हिरासत वाली याचिका पर सुनवाई की थी। शीघ्र अदालत ने कहा था कि इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आता है, यह बोलने की आजादी का जरिया भी है। इंटरनेट बंद करना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सभी पाबंदियों पर एक हफ्ते के भीतर समीक्षा करें और फिलहाल जहां जरूरत है वहां इंटरनेट मुहैया कराएं।